दोस्तों नमस्कार, वेलकम, खुशामदीद और हैप्पी बर्थडे टू यू। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट के साथ में मैं आपका तारुफ करवाने जा रहा हूं, जो बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में काम किया है, नन अदर देन दिलराज कौर जी। दिलराज जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, जैसे कि आप हमेशा लगती हैं। थैंक यू। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है जी, मुझे कि ये एक हमने ये जो चैट शो बनाया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जी जरूर। बेसिकली ये एक जगजीत जी की याद में है और उन्हीं के फैंस के लिए है। हम कहीं पर भी लिखते नहीं है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग उनके चाहने वाले हैं वो अपने आप हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ में जो नज़दीक से जुड़ी हुई जो पर्सनालिटीज थी, हम उनके मुंह से हमारे मित्रों को, हमारे फैन को कुछ बताएं ताकि उनको भी मज़ा आए। क्योंकि ये लोग ने तो सिर्फ उनकी आवाज़ और उनकी गायकी सुनी है, मगर वो कितनी बड़ी शख्सियत थे, कितने बड़े इंसान थे, कितने सोलफुल इंसान थे, वो आप जैसे लोगों के थ्रू वो सब लोग जान पाएंगे। तो 1972 में मैं, काफ़ी नाम मेरा हो चुका था लखनऊ में, मैं लखनऊ से हूँ। जी जी जी। ऐसे जगजीत जी ने मुझे पहचाना। मैं फिर चली गई थी, जब लौट के आई तब HMV ने एक 1980 अगर आपको पता हो एल्बम निकाली थी, उसमें जगजीत जी ने टैलेंट ऑफ 80s, हाँ, उसमें उन्होंने मुझे एक गज़ल गवाई थी। अच्छा। सुहानी रात में दिलकश नज़ारे याद आते हैं। वाह। सुहानी रात में दिलकश नज़ारे याद आते हैं, नहीं हो तुम मगर वो चांद तारे याद आते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत खूबसूरत कंपोजिशन। इट वाज कंपोज्ड बाय जगजीत जी एंड संग बाय मी। अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ ट्यून याद है आपको? जी हाँ, प्लीज गाइए। सुहानी रात में दिलकश नजारे याद आते हैं। वाह वाह वाह। नहीं हो तुम मगर वो चांद तारे याद आते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। तो दिलराज जी, ये दिस इज ऑल अबाउट जगजीत जी एंड हिज आर्ट ऑफ कंपोजिंग। ओह, क्योंकि एज यू नो कि उनकी आवाज और गायकी सब लोग सब जानते हैं, बाकी सब चीजों के बारे में। एक जो मैं अक्सर ये एपिसोड में मैं सबसे जब जिक्र करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में जो जगजीत जी के फैन है ना, वो थोड़ा कम जानते हैं। हाँ। क्योंकि उनकी गायकी और उनकी आवाज़ इतनी हावी हो गई थी कि वो जो चैम्पियन ऑफ अ कंपोज़र थे ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। तो आप जैसे जो लोग हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं और जो म्यूज़िक जानते हैं, मैं उनसे हमारे फैंस को ये सब चीज बताना चाहती हूँ कि वो कितने बड़े दर्जे के वो कंपोजर हैं। क्या कहने, क्या जी जी जी। क्योंकि एक बात हम आपसे जिक्र करेंगे जी, कि क्या होता है, आज हमने भी कुछ कंपोजिशंस की हैं, जब आप दिन रात और वो भी सुरों से बहुत प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि वो खुद क्लासिकल म्यूजिक के जी 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 थे। तो मैं ये इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ कि जगजीत जिनसे मैंने पूछा, कहते हैं, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उनका जो नाम एक्चुअली लोग उनको जानते हैं गज़ल गायकी से जानते हैं, हालांकि वो कुछ भी गा सकते थे। हाँ। लेकिन जो गज़लों का सबसे पहला, मैंने उनसे कहा आपका सिलेक्शन पार एक्सीलेंस। तो क्योंकि गज़ल जो है वो लफ्ज़ों की गायकी है, शेर सब लिखे होते हैं, जज्बात हैं शायर के, आप किसी शायर के जज्बात को पेश कर रहे हैं। जगजीत जी मुझे कहते थे दिला जी, सॉरी टू इंटरव्यू, कि स्वर से पहले शब्द आते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ का हमेशा वो ख्याल रखा। वो उनको, वो जब आप कौन सा जज्बात, मैं आपको सुनाती हूँ, जैसे कि मैंने एक किया है और मुझे ये लफ्ज़ पसंद है क्योंकि नई सी बात कह, बहुत मुश्किल है कुछ नया कहना आज की डेट में। बिल्कुल। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने कुछ छोड़ा हो तब कुछ। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी, कि हमारे बहुत सारे फैन हैं ये बात जानते हैं कि जगजीत जी के ऊपर एक वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी है। हाँ जी हाँ। कागज़ की कश्ती। जी हाँ। उसमें वसीम बरेली साहब हाँ, ने हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये चीज़ का जिक्र करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज अगर गालिब जिंदा होते तो खुशी के मारे मर जाते,
बोली ये बंदा मेरी रूह तक कैसे चला गया, ये कितनी बड़ी बात है। और ये गालिब को इतनी अच्छी तरह से पेश करना और उनको कॉमन आदमी तक ले जाना। देखिए मैं यहाँ आपको इंटरप्ट, माफ कीजिए, प्लीज कैरी ऑन। और मैं अपने ऑडियंस से भी माफ़ी चाहूँगी कि मुझे बीच में बात रोक कर आपको कहनी पड़ी। आपने उनके साथ अपनी जब तक वो रहे हैं उन्हें, मैंने इनको हमेशा उनके साथ देखा है तो, और अभी भी हूँ। जी हाँ अभी भी हैं। और मुझे, मैंने इनसे कहा भी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप उनको कभी उनका जिक्र करते हैं, ये तो शो है आपके से मुखातिब हैं तो ये उनका नाम ले रहे हैं, वरना ये नाम नहीं लेते। हमेशा कहते हैं बॉस ने ये कहा, बॉस ने वो कहा, बॉस ऐसे, तो मुझे इनकी ये बात बहुत भा गई। कितनी सिंपल प्यारी सी बात कही है, जो अपने बॉस की तरह ही ये बात है, उतनी सिंपल है और आपके दिल तक रूह तक उतरती, मेरे तो उतरती। तो हम आपसे क्या जिक्र कर रहे थे जी, हाँ गालिब साहब का उन्होंने कहा, तो जगजीत जी की जो बात आप कर रहे हैं, जब तक आपको इस क्या कहना चाहिए जॉनर से, आपको जब तक आपका पैशन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये हो ही नहीं सकता। और जगजीत जी, और जैसे मैं ख़ुद भी अपने को इसमें शामिल करना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा कि इस, ये ऐसे हैं सुर ना, आप हर वक्त इसमें डूबे हैं। और मैं इसमें हर, उन्होंने इन सब चीज़ों को वो देख, एक तो उनकी आपको पता है कुलदीप जी कि उनकी आँख कितनी शार्प है, आपको ऊपर से नीचे तक नाप जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या क्या देख लिया, जो आपने अपने लिए मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं आपको नहीं पता लेकिन वो आपको बता, बिकॉज आई हैव फेल्ट इट पर्सनली, ही हैज अ इनर साइट। वो हो क्या करे, मैंने उसे पता क्या कहा आपको बताती, मैंने कहा आपकी कितनी आंखें हैं, लगता है दो तो आंखें और किधर किधर हैं जरा बता दीजिए मुझे, तो बहुत हंसे, कहते मेरे पीछे भी है यहाँ भी है, मैंने कहा मुझे पता है आपकी कितनी आंखें, और बहुत हंसते थे, बहुत मजा आता था क्योंकि मन को वो कुछ ऐसे वो थे बहुत, आपको पता है फन लविंग, अरे इट वाज वेरी विटी, वेरी विटी, तो मैं भी, मैं कहती थी मैं आपको बताती हूँ आपका विट, तो बहुत खुश होते थे क्योंकि उनको शायद ना कोई कहता हो लेकिन मुझे जो कहना होता था मेरे साथ, वो भी हम लोगों ने जब हम रेस कोर्स में वॉक के लिए जाने लगे ना, तो वो खेलते ना हम लोग सात पत्थर रख के, तो उसमें हम लोग खेलते थे, वो मैं, मेरा हमेशा निशाना जाता, वो मेरा हमेशा जाता था, मैंने कहा देखा देख लो आपका निशाना चूक गया, तो बहुत हंसते थे बहुत खुश होते थे। जगजीत जी ने एक बात और भी कही थी, ये सारी छोटी छोटी बातें जब आप जैसे लोगों से मैं मुखातिब होता हूँ तो अंदर से उभर आती है, वो कहते थे कि म्यूजिक को वो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, नहीं, नहीं। उसको सीरियसली लेना चाहिए, वो सब जितने भी उनसे सीखने आते थे या उनसे टिप लेने आते थे, वो सबसे पहले ये बात कहते थे उनके कि भाई म्यूजिक को आप पार्ट टाइम मत लो। मैंने उनसे जिक्र किया है इसका रीजन, क्योंकि मैं तो उनको फिर और भी कुछ कहने लगती जी जी, जैसे जी। मैं आप सबसे अपने सुनने वालों देखने वालों से शेयर करना चाहूँगी प्लीज, कि जो हमने आपसे जिक्र किया पहले कि ये अनहद अनाहद अनाहद नाद है, वाह, कि ये आपसे ये जुदा है ही नहीं, हर एक के साथ हर शय की है जुबान कोई, मैं ये शेर कहती हूँ इरशाद, वाह वाह वाह, मत छेड़िए अभी के मुझे होश नहीं, आहा, मत छेड़िए अभी के मुझे होश नहीं है, मैं हूँ यहाँ मगर मेरा ख्याल कहीं, वाह 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 वाह। और आप देखिए एक धुन सी मोहब्बत की बज रही है हवा में, वाह, एक धुन सी मोहब्बत की बज रही है हवा में, कुछ और सुन सकूं अभी ये होश नहीं, वाह वाह वाह। जिगर मुरादाबादी भी कहते हैं, वाह वाह, कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा, कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा, साहिब होश वही है कि जिसे होश नहीं, बहुत तो अच्छे। कहने की बात यह है कि जब आप म्यूजिक से जब सही माने में इन्वॉल्व होंगे, मैं तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, हाय 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 हाय, वाह वाह, मैं और जगजीत जी इसी इसी कहना चाहिए, क्या कहूँ मैं, वो इतनी बड़ी हस्ती, में मेरी समझ में यार क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि वो इसी इसी लाइन पर थे, वाह वाह, उनकी सोच यही थी, वाह वाह, इतना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट और सुर। अगर आप मेरे आज जब मैं भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सबसे पहले आपको अपना काम खुद को एनालाइज करना आना चाहिए, वाह वाह। मैंने कहा मैं कदम नहीं रखूंगी, अगर मुझे किसी को कहना पड़ा मुझे गाना दो, मैंने कहा मैं किसी से मांगने वाली नहीं, क्या बात है। और आप सोचिए मुझे सब गाने अपने से आए हैं, और आप सोचिए जब पंचम दा का फोन आया आर डी बर्मन, मुझे कहते हैं मैं पंचम दिलराज, मैं आर डी बर्मन पंचम बोल रहा हूँ, मेरा गाना गाओ की, मैंने कहा दादा कैसी बातें करते हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे बताइए कब आना है मुझे, तो फिर उन्होंने कहा, मैंने वो गाना गाया
पहला गाना वो मंगलसूत्र का उन्होंने मुझसे गवाया, रेखा जी पे पिक्चराइज हुआ वो जी जी सोलो जी गाना था। फिर उन्होंने मौसम मस्ताना गवाया, फिर उसके बाद एक और फिल्म थी उसका नाम टाइटल याद नहीं आ रहा, कोई हम पर दया करो। तो अगर आप ये गीत सुनेंगे तो ये खूब बखूब पंचम दा समझ लीजिए, मैंने कोई वाह पार्ट वाह वाह छोड़ा नहीं। वाह, जब ओ जीत जी को भी जब गाया है जी तो कोई पार्ट उनका बहुत खुश होते थे, मतलब जब वाह, मैंने रिहर्स किया इच्छा बल नाम का जो हाँ उन्होंने हाँ कश्मीर पे, वो जो वहाँ के जी राइटर थे उनका लिखा जी हुआ जी माही का राया राता होर दिया होर ने, तो कहते हैं चलो रिहर्सल एक कर लेते हैं। मैंने कहा जी अच्छा, तो हम रिहर्सल कर रहे हैं तो मैंने कहा चलिए अब टेक करते हैं। कहते हैं टेक किस लिए, आ तो गया। आए हाय हाय, वाह 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 ऐसा मेरा उनके वाह साथ वाह वाह, सुनाइए था। वाह तो ये जो उनका ऑब्जर्वेशन है वाह। और उसमें वो उतर गए पूरी तरह। जब मुश्किलातों से गुजरते हैं तो ये डिस्कवरीज फिर आप सर पे पड़ती तो आप ये चीज़ें लाते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने तो कौन कैसे करें, तो वाह उन्होंने उन्होंने फिर जिक्र किया मेहंदी हसन साहब का। आपको तो जी आप जी बहुत अच्छी जी तरह जानते हैं कि वो जब पाकिस्तान भी गए हैं तो वो जितना उन्होंने वहाँ पर उनकी अर्निंग हुई उन्होंने सब हाँ, मेहंदी सब से, डोनेट की और थी। वो उनको अपना कहना चाहिए रूहानी गुरु मानते थे और हाँ कहते मैं सी उनको सीख सीख के बड़ा हूँ की मैं गजल ऐसे भी गाई जाती है। ऐसे गा। और उन्होंने हाँ शुरू में आप सुनिए तो कई बार एज इट इज़ भी गाई हुई जी हैं। जी 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 तो वहाँ से वो आप देखिए उनका वो जो अगर आप ग्राफ बनाएंगे वाह ना वाह वाह, तो वो आपको बहुत क्लियर आप जी उस जी 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 जो ग्राफ सही बनता कही है बात आपने। जो हाँ ज्योमेट्री वगैरह में, तो जी जी आप जी उनका वो आप उनका ग्राफ आप देख सकते हैं जी और जी वो जी आते आते किस मकाम तक पहुँचे हैं, जी जी मतलब जी आज अनबीटेबल बिकॉज अनबीटेबल, हाँ ऐसी हाँ ऐसी वाह चीज़ है, जी ऐसा जी हो गया उनका। और उन्होंने इतना वो पहली बात तो ये कि आप जब जो लफ्ज़ हैं जो शेर कहा गया है उसका जज्बात आपको रास्ता दिखाने लग वाह जाता है, वाह वाह जैसे कि वाह, हमने आपको कहा कि दिल कहीं और। ऐसे ही मैंने एक और गज़ल उन्होंने इसी शायर ने मुझे नए शायर से लिख के दी थी कि चलो ख्वाबों में सही आए हो, चलो ख्वाबों में सही आए हो तो रुक जाओ, सहर जब आए चले जाना वाह वाह वाह, अभी रुक जाओ। आहा जगजीत जी खुद एक बहुत सेंसिटिव सोल मैं कहूँगी थे, 100%। और इनके केस में यही हुआ जो आपने भी जिक्र किया जी कि स्टेप बाई स्टेप स्टेप। तो ये जो मेरे फादर मुझे कहा करते थे बेटा जिसने स्टेप में कभी तुम्हें वहाँ से कोई पीछे नहीं ला सकता, वाह जैसे वाह जो वाह, भी उस मालिक ने मुझे जितना भी नवाजा जी है जी जी मैं वही, मान लीजिए इससे आगे बढ़ने का चांस है लेकिन पीछे पढ़ने का मेरा नहीं वाह होगा। वाह। तो एक बहुत अच्छा शेर याद है जी आपने जी बोला ना फरमाइए कि जी फरमाइए भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए। तो अरे क्या कुलदीप जी क्या बात करते हैं आप, दिल्ला जी मैं आपसे बहुत ये जानना काश के वो चाहूंगा, उतर के आ जाते कहीं से ये सब लेकिन उन्हीं का दिया हुआ है, जी ये सब उन्हीं की देन है। जब कोई तीसरा बंदा मेरे बारे में जब कुछ कहता है कि यार ये बात आपने कमाल की है, तो मैं उनको एक और शेर सुनाता हूँ कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, मेरी आंखें उसके नूर से रोशन है, मैंने जो भी देखा है सब उसका है। बहुत खूबसूरत, निहायत खूबसूरत, हाँ क्या बात है। मैं दिला जी, मुझे आप उनकी कोई एक पसंदीदा गज़ल जो आपके दिल के बहुत करीब है उसके बारे में कुछ अरे बात बहुत बताएं। मुश्किल, इतना मुश्किल सवाल है तो हाँ मगर फिर भी एक तो आपको बोलनी ही पड़ेगी। मेरे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ। हाँ नज़्म, बिल्कुल बात निकलेगी तो फिर वाह दूर तलक जाएगी। वैसे तो उनकी एक से एक नायाब गज़लें हैं। एक एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इतने ज़हीन थे वो जी कि जैसे मान लीजिए क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कहीं से इंस्पायर होके ना गुजरा हो। दिल्ला जी, आप भी ये मानती होंगी कि फिल्म म्यूजिक का एक अपना दायरा था, अगर फिल्म म्यूजिक के बाद में अगर घर घर लैंग्वेज लैंग्वेज को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली तो गजल से। गजल से, और इन्होंने उसको घर घर में पहुंचा दिया। हाँ बिल्कुल, गजलें तो हमेशा से थी, बेगम हाँ अख्तर मगर साहिबा, लिमिटेड क्राउड में हाँ गाई हाँ जाती थी हाँ वो घर घर लेकिन में। इन्होंने जो है इसको हाँ बिल्कुल उसको कमर्शियल आवाम दिया, में और कमर्शियल, लोग पैसा खर्च के टिकट बाय करके आते थे, वो कितनी बड़ी बात और है। मैंने सुना है कई बार तो लोग बहुत बहुत देर लाइंस में, आपको पता हाँ है हाँ आपने तो सब देखा अरे होगा। शिमला में जब बॉस ने परफॉर्म किया था 50,000 आदमी,
बुकिंग बंद करना पड़ा इनको खुद, तभी तो कहने इनको खुद को अंदाजा नहीं था कि फिर उस मालिक की मर्जी जिस पे, एक तो एज ए पर्सन सी आई टेल यू वन हैज़ टू बी अ वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड प्रॉपर पर्सन टू एम्ब्रेस दिस आर्ट. थैंक यू सो मच दिल्ला जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा. डेफिनेटली हमारे फैंस को और सब सुनने वाले को देखने वाले को भी ये बातें बहुत पसंद आई होगी. तो दोस्तों अगले वक्त तक आप अपना ख्याल रखें, और अगली बार एक और आर्टिस्ट आपसे रूबरू करवाऊंगा जो कि जगजीत जी के बारे में आपको कुछ अनसुनी बातें बताएंगे. तब तक जय जगजीत.